अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लब सैंडविच बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले चिकन की फीलिंग रेडी कर लेते हैं जो हम सैंडविच में फील करने वाले हैं। बॉईल करके मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है। 250 ग्राम्स चिकन है, उसमें हाफ कप मेयोनीज ऐड करेंगे, पाव चम्मच नमक, पाव चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और पाव चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें टोमेटो केचप ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, सारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हाफ कप ग्रेट किया हुआ चीज़ ऐड कर देंगे। आपको जो भी चीज़ पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने प्रोसेस चीज़ ऐड किया है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, चिकन की फिलिंग रेडी है। अब हम मेयो सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए हाफ कप मेयोनीज लेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून टोमेटो केचप मिला देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये सॉस हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो ब्रेड के स्लाइसेस ले लेते हैं, इनके एजेस को कट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी होता है ये सैंडविच खाने में, जो डाइट पर है वो भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लेंगे और ब्रेड को हम हल्का सा ग्रिल कर लेंगे, बटर लगा लेंगे और इसको ग्रिल कर लेना है ताकि इस पर मार्क्स आ जाए ग्रिल के। आप चाहे तो विदाउट ग्रिल किए भी इसे बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारे स्लाइसेस को हम ग्रिल कर लेंगे। अब हम एग को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ऑयल डाला है। इसमें एक अंडा डाल देंगे और अंडे को हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो बॉयल एग का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे फ्राई एग पसंद है इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसकी साइड को चेंज कर दें, योर्क को हम अच्छी तरह से पका लेंगे पलटी करते हुए। तो ये ऑमलेट हमारा बनके रेडी हो चुका है। इस पर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे, जिससे ये और भी टेस्टी हो जाएगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये चार स्लाइस में बनकर तैयार होता है। तो पहला स्लाइस ले लेंगे और उस पर जो हमने चिकन की फिलिंग बनाई थी उसे लगा देना है और अच्छी तरह से उसे स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से हर जगह इसको फैला ले। अब दूसरी स्लाइस से इसको कवर कर देना है, अच्छे से दबा दीजिए ताकि चिपक जाए आपस में। और जो हमने मेयो सॉस बनाई थी वो इस पर स्प्रेड कर देंगे। अब इस पर सैलेड लीफ रख देंगे। आप चाहे तो गोभी के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं और इस पर कट किया हुआ अनियन और टमाटो रख देंगे। आप चाहे तो इसमें खीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये फीकी फीकी ना लगे। अब तीसरे स्लाइस से इसको कवर कर देना है अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर भी मेयो सॉस लगा देंगे हम। और जो अंडे को हमने फ्राई किया था वो अंडा हम इस पर रख देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये सैंडविच चार लेयर में बन कर के तैयार होता है। अब चौथी लेयर हम इस पर लगा देंगे ब्रेड के स्लाइस से, इसको कवर कर देंगे हम। ये मैंने टूथपिक ले ली है, टूथपिक के हेल्प से इसको इंसर्ट कर देंगे ताकि ये गिरे ना खाते वक्त। देखिए, टूथपिक इंसर्ट कर देंगे और शार्प नाइफ लेना है, उसकी हेल्प से इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है माशाल्लाह दिखने में सैंडविच, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और मज़े का है। और अब
तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।